वेलकम बैक स्टूडेंट्स, और ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता हो कि हाउ टू राइट पोटेंशियल इन स्फेरिकल शेल। जब तक आपको ये नहीं पता होगा तब तक आप इस टॉपिक को समझ नहीं पाएंगे, और जेई और नीट का बहुत ही ये फेवरेट टॉपिक है अर्थिंग का, ठीक है। तो देखो भाई, अर्थिंग में क्या होता है कि अगर आप किसी बॉडी को अर्थ से कनेक्ट करोगे, है ना, तो क्या होगा। तो देखिए भाई, सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए, पहला पॉइंट ये है कि जब आप दो बॉडीज को आपस में कनेक्ट करते हो और अगर वो डिफरेंट पोटेंशियल पे हैं तो हमेशा चार्ज फ्लो करता है। कहाँ से चार्ज? मतलब पॉजिटिव चार्ज। बाय डिफॉल्ट जब भी चार्ज वर्ड यूज़ होता है, कहीं पे चार्ज क्वेश्चन में लिखा होता है, कोई बोलता है, तो उसका मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है, अनलेस मेंशन ना किया जाए कि दिस चार्ज इज नेगेटिव, ठीक है। तो जब भी आप एक हाई पोटेंशियल बॉडी को लो पोटेंशियल बॉडी से कनेक्ट करते हो तो चार्ज का फ्लो होता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल बॉडी टू लो पोटेंशियल बॉडी। और कब तक होता है? जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते। ऐसा क्यों होता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस होने से उनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड से चार्ज पे फोर्स लगता है, उस फोर्स की वजह से चार्ज भागता है, ठीक है, और सबको इक्विलिब्रियम चाहिए होता है। तो फाइनली दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, और जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो आपको पता है ई इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा आर होता है। अगर दोनों बॉडीज का पोटेंशियल सेम हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी तो फोर्स जीरो हो जाएगा, तो मोमेंट रुक जाएगा। इसलिए हमेशा दो डिफरेंट पोटेंशियल की बॉडीज को कनेक्ट करने पे चार्ज का फ्लो होता है पोटेंशियल को बराबर करने के लिए, जिससे कि उनको अपना इक्विलिब्रियम मिल जाए, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम किसी को अर्थ से कनेक्ट करें तो क्या होगा। अगर हम किसी बॉडी को, ये ग्राउंड है, ठीक है, और किसी कंडक्टर को ग्राउंड से कनेक्ट करें तो क्या होगा, ठीक है। तो ग्राउंड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, आप समझिए। सबसे पहले प्रॉपर्टी तो ये होती है कि ग्राउंड पे अबंडेंट चार्ज है, मतलब आप उसको कितना भी प्लस दे दो, उससे कितना भी प्लस ले लो, कितना भी उसको माइनस दे दो, कितना भी उससे माइनस ले लो, समझे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। किस किस बात पे फर्क नहीं पड़ता? उसके पोटेंशियल पे कोई चेंज नहीं आता है, और बहुत सारा अबंडेंट चार्ज है उसके पास, अर्थ के पास। इसलिए हम अर्थ को क्या बोलते हैं कि अर्थ इज ए रिजर्वायर ऑफ चार्ज। रिजर्वायर वर्ड का मतलब होता है जो कोई बहुत बड़ा सोर्स होता है तो उसको हम रिजर्वायर वर्ड यूज करते हैं। तो अर्थ इज ए रिजर्वायर ऑफ चार्ज, पहला पॉइंट ये नोट करिए। और दूसरा पॉइंट ये नोट करिए कि देखो, अर्थ इज ए स्फेरिकल शेल, मान लेते हैं उसको, है ना। अभी मैंने अर्थ को चार्ज दे दिया, यहाँ पे ऊपर रख दिया इसके ऊपर कुछ चार्ज, या ऐसे कुछ चार्ज ले लिया मैंने, तो आपको पता है कि अगर अर्थ स्फेरिकल शेल है तो उसका पोटेंशियल होगा के क्यू बाय आर। भाई स्फेरिकल शेल का ही पोटेंशियल होता है। अब अर्थ की रेडियस बहुत बड़ी होती है, पता है, 6400 × 10³। और चार्ज नॉर्मली किस ऑर्डर का होता है? माइक्रो कूलम, मिली कूलम, नैनो कूलम, कूलम। कूलम तो बहुत बड़ा चार्ज होता है भाई, कूलम इज ए वेरी बिग यूनिट ऑफ चार्ज, पता है, कूलम बहुत बड़ी यूनिट ऑफ चार्ज की। तो नॉर्मली जो चार्जेस में हमारी डीलिंग होती है, जो हम इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह में यूज़ करते हैं, वो माइक्रो मिली इस ऑर्डर का चार्ज होता है, समझे। तो सोचो कि यहाँ पे मिली एम्पीयर, मिली माइक्रो कूलम या मिली कूलम चार्ज है, और यह 6400 × 10³ है, तो आपको बताया कि इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए मैंने आपको बोला, अर्थ से कितना भी चार्ज ले लो, अर्थ को कितना भी चार्ज दे दो, है ना, तो देर विल बी नो चेंज इन इट्स पोटेंशियल। तो अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है और वो हमेशा जीरो रहता है, उसको कितना भी चार्ज दे दिया जाए या कितना भी चार्ज ले लिया जाए। तो लिखो आप, अर्थ पोटेंशियल इज जीरो एंड विच रिमेन्स जीरो इरिस्पेक्टिव ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज। रीजन लिख लेना, के क्यू बाय आर होता है, ठीक है, और क्यू किस ऑर्डर का होता है, क्यों हमारा मिली या माइक्रो कूलम या मिली कूलम के ऑर्डर का होता है, रेडियस बहुत बड़ी होती है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब अर्थ पता है क्या करता है, जब आप अर्थ से किसी बॉडी को कनेक्ट करते हो तो क्या होता है, अर्थ उस बॉडी को, भाई अर्थ तो को कितना भी चार्ज दे दो, कितना भी खींच लो, ठीक है, तो अर्थ हमेशा उस बॉडी के पोटेंशियल को जीरो ले आता है जिसको आप अर्थ से कनेक्ट करोगे। अब ऐसा ना कि तुम अर्थ के बराबर ही कोई बॉडी ले आओ, वो एक अलग चीज़ है। नॉर्मल अगर कोई कंडक्टर है, कोई डिवाइस है, उसको मैं अर्थ से कनेक्ट कर दूं, तो अर्थ उसके पोटेंशियल को जीरो पे ले आएगा हमेशा, अपने बराबर। और ऐसा करने में उसको जितना चार्ज देना होगा उतना देगा, जितना लेना होगा उतना लेगा, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिखिए कि वेयर अ बॉडी इज कनेक्टेड टू अर्थ, इट्स पोटेंशियल बिकम जीरो, ना कि चार्ज।
अब यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होता है, लोगों से पूछो भाई हमने किसी को अर्थ से कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, तो लोग बोलते हैं कि चार्ज अर्थ में चला जाएगा, जा सकता है और नहीं जा सकता, दोनों पॉसिबिलिटी है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहली बात क्या है कि अर्थ से अगर हम किसी बॉडी को कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, अर्थ उसके पोटेंशियल को जीरो पे ले आएगा। ठीक है, उसके चार्ज को जीरो कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। चलो अच्छा, इस पर डिस्कस कर ही लेते हैं, चार्ज वाली बात पे है ना, इस पर भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए अब हमारे पास दो सिनेरियो हैं, देखो दो सिनेरियो ये हैं कि किस, देखो ये मैंने बोला ना कि बहुत से बच्चों को दिमाग में चलता रहता है कि अर्थ से कनेक्ट करने पे चार्ज जीरो हो जाएगा, तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस केस में जीरो होगा किस केस में नहीं होगा। ठीक है, लेट्स कंसीडर आइसोलेटेड कंडक्टर, ये एक आइसोलेटेड कंडक्टर है और ये ग्राउंड है। अगर मैं इस आइसोलेटेड कंडक्टर को ग्राउंड से कनेक्ट कर दूँ, इस पर कुछ चार्ज था प्लस क्यू मान लेते हैं, पता क्या होगा, सारा प्लस क्यू चार्ज ग्राउंड में उतर जाएगा सारा, और इसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी फॉर्मूला है, मान लो स्फेरिकल शेल या कुछ भी फॉर्मूला है, तो सारा चार्ज ग्राउंड में चला जाएगा। एक और सीन लेते हैं कि सपोज करो ये कंडक्टर है, इस पर कुछ प्लस क्यू चार्ज है, और इसके पास में एक और कंडक्टर है, इस पर माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, दोनों पास पास रखे हैं, फिर मैंने इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, तो अब क्या होगा, अब सोचो इसका पूरा चार्ज चला गया नीचे, पूरा चार्ज ग्राउंड में चला गया, तो क्या होगा बताओ, अगर पूरा चार्ज ग्राउंड में चला गया तो इसकी वजह से इसका नेगेटिव पोटेंशियल आ जाएगा, नहीं भाई इसके पास में रखा हुआ है तो इसकी वजह से इसका नेगेटिव पोटेंशियल आ जाएगा, लेकिन आपको पता है नेगेटिव पोटेंशियल आना नहीं, पोटेंशियल को जीरो होना है, तो पूरा चार्ज नहीं जाएगा, कुछ चार्ज यहां पर रह जाएगा। क्यों रह जाएगा चार्ज, समझ रहे हो आप, क्योंकि जो चार्ज रहेगा उसकी वजह से इसका पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, और जो पड़ोस में चार्ज है उसकी वजह से नेगेटिव पोटेंशियल आएगा, और दोनों मिलाकर इसके पोटेंशियल को जीरो करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लेना कि आइसोलेटेड बॉडी इज कनेक्टेड टू ग्राउंड, पूरा चार्ज ग्राउंड में जाना है, एंड इफ ए बॉडी हैविंग चार्जेस नियर बाय इज कनेक्टेड टू ग्राउंड, देन टोटल चार्ज विल नॉट गो टू अर्थ, है ना, डिपेंड करता है किसका पोटेंशियल जीरो करने के लिए कितना चार्ज इसको रोकना है अपने ऊपर। ठीक है, बट हाँ ये गारंटेड है कि पोटेंशियल पक्का जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गए ना आप कि आइसोलेटेड बॉडी का सारा चार्ज ग्राउंड में चला जाता है, और अगर उसके पास में कुछ सराउंडिंग में चार्जेस रखे हैं तो उन चार्जेस का पोटेंशियल आएगा, फिर उसको कितना चार्ज भेजना है वो डिसाइड करेगा कैलकुलेशन से, इन सबका पोटेंशियल इसके ऊपर आ रहा है, फिर कुछ ग्राउंड से चार्ज आएगा उसका पोटेंशियल आएगा, सबको मिला के जीरो होना है। ठीक है, अभी आपको बात और क्लियर होगी, समझते हैं आप। तो अभी हमारा कॉन्सेप्ट है स्फेरिकल शेल में ग्राउंडिंग, लिखिए केस वन लिखिए, चार्ज इज गिवन, दिस इज केस वन, दो केस हैं इसमें। ठीक है, तो केस वन ये कि चार्ज इज गिवन टू इनर शेल, मैंने इसको चार्ज दे दिया प्लस क्यू, एंड आउटर शेल इज ग्राउंडेड, मैंने आउटर शेल को ग्राउंड कर दिया, ग्राउंड का ये सिंबल होता है, इसका मतलब होता है कि आपने इस पॉइंट को जाके जमीन से टच करा दिया। ठीक है, तो क्या मैंने बोला कि ग्राउंड से कितना भी चार्ज आ सकता है कितना भी जा सकता है, ग्राउंड पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ग्राउंड से जिस बॉडी को कनेक्ट करते हैं उसका पोटेंशियल हमेशा आपको जीरो करना होता है। ठीक है, तो इसको प्लस क्यू चार्ज है, इसको ग्राउंड कर दिया, तो अब आप मुझे पहले पार्ट का आंसर देना है आपको, हाउ मच चार्ज फ्लोज बिटवीन ग्राउंड एंड स्फेरिकल शेल, यहां से यहां में इस वायर में कितना चार्ज फ्लो करेगा। पहला क्वेश्चन ये है, एक स्विच लगा था, ठीक है, और मैंने स्विच को बंद कर दिया, ऐसे जब स्विच को बंद करूंगा मैं तो पूरा एक वो बन जाएगा, रास्ता कंप्लीट हो जाएगा, तो यहां से चार्ज फ्लो करेगा, जा भी सकता है आ भी सकता है। पहला क्वेश्चन ये है, तो चलो आप ट्राई करो कितना चार्ज आएगा कितना जाएगा। इनर शेल को हमने क्यों चार्ज दे दिया है, आउटर को ग्राउंडेड कर दिया है, तो यहां से कितने चार्ज का फ्लो होना है, वीडियो पॉज करो सोचो थोड़ा सा। ठीक है, चलो मैं इसको बताता हूं कितना चार्ज फ्लो करेगा। मैंने एज्यूम कर लिया कि अगर मैंने इसको कनेक्ट किया है तो मैंने एज्यूम किया कि ग्राउंड से क्यों चार्ज आ गया, मुझे नहीं पता है आएगा या जाएगा, वो अपने आप कैलकुलेशन में चीज आ जाएगी। ठीक है, मैंने एज्यूम किया कि ग्राउंड से क्यों चार्ज आ गया, क्यों आया है, टू मेक इट्स पोटेंशियल जीरो, क्योंकि ये ग्राउंड से कनेक्टेड है और ग्राउंड से कनेक्ट करने पे बॉडी का पोटेंशियल जीरो हो जाता है, तो यहां से क्यों चार्ज फ्लो किया इसके पोटेंशियल को जीरो करने के लिए। दिस रेडियस इज ए एंड दिस रेडियस इज बी, तो मैं लिखना ही भूल गया यार पहले, मुझे लिखना चाहिए था, चलो कुछ नहीं है, आपको पता है कि हाउ टू राइट पोटेंशियल इन कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स, कल ये डिस्कशन किया हमने, तो चलो भाई इसका पोटेंशियल लिखते हैं।
अब इसका पोटेंशियल एक तो इस चार्ज की वजह से आएगा बिकॉज दिस प्लस क्यू, तो कितना आएगा के क्यू बाई बी, क्योंकि ये आउटर पॉइंट है, ये स्फेरिकल शेल का ये आउटर पॉइंट है, मतलब फॉर दिस स्फेरिकल शेल दिस पॉइंट इज आउटर पॉइंट, तो ये फॉर्मूला ये बनेगा के क्यू बाई बी। अगेन इस पर कितना चार्ज है, इस पर चार्ज क्यू है, तो फॉर दिस चार्ज दिस पॉइंट इज सरफेस पॉइंट एंड एट सरफेस पॉइंट वी हैव पोटेंशियल के क्यू बाई बी, ये पोटेंशियल आ गया के क्यू बाई बी प्लस के क्यू बाई बी। ठीक है, इसको हम उठा के जीरो को इक्वल पुट कर देंगे, क्यों जीरो पुट करेंगे, क्योंकि फाइनली पोटेंशियल को जीरो ही होना है, तो एक इस चार्ज का पोटेंशियल, एक जो चार्ज है उसका पोटेंशियल सब मिला के जीरो कर देंगे, तो यहां से हमको पता चलेगा कि स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी है, स्मॉल क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू, इतना चार्ज ग्राउंड से फ्लो करेगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज्यादा, बिल्कुल रट लो इसको, रट्टा मारना है। ठीक है, कि अगर दो ऐसे शेल्स कनेक्टेड हैं और आउटर को हमने ग्राउंड कर दिया तो यहां से क्यों चार्ज फ्लो करेगा, क्यों चार्ज विल फ्लो। ठीक है, अब देखो आप अब इसका पार्ट बी, दिस सरफेस इज ए, दिस सरफेस इज बी, दिस सरफेस इज सी, दिस डी, इसका पार्ट बी ये ना कि गॉस फॉर्म का क्वेश्चन हो गया, तो आप मुझे बताइए कि चारों सरफेस पे कितना कितना चार्ज होगा, इसी में क्वेश्चन था। तो आप सबको, दिस इज पार्ट, सेकंड पार्ट है ना, तो आप सबको पता है यार कि जो स्फेरिकल शेल को चार्ज दे दो तो कभी उसके अंदर नहीं जाता है, तो यहां तो जीरो होगा, इस पे क्यू रहेगा, इस पे माइनस क्यू, इस पे प्लस क्यू, प्लस एक ग्राउंड से चार्ज आया है, कितना चार्ज आया ग्राउंड से क्यू, तो बाहर सरफेस से कितना चार्ज हो गया, बाहर सरफेस पे टोटल चार्ज हो गया क्यू प्लस क्यू, दिस इज टोटल चार्ज ऑन आउटर सरफेस। अभी आपने प्रूफ किया है कि स्मॉल क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू, उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो दिस चार्ज बिकम जीरो, तो यहां पे चार्ज जीरो हो जाएगा, समझे आप। तो क्या चार्ज है फाइनली, फाइनली अंदर जीरो, यहां पे क्यू, यहां पे माइनस क्यू और बाहर जीरो, क्योंकि जितना चार्ज प्लस क्यू था उतना ही यहां से चार्ज आएगा, सारा चार्ज जीरो हो गया। ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है, ठीक है, कि व्हाट इज चार्ज ऑन आउटर सरफेस, तो टोटल चार्ज विल बी जीरो। ठीक है, आप सपोज करो कि मैंने केस सेकंड में क्या किया, मैंने आउटर वाले को चार्ज दिया है, समझ लो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कैपेसिटर में भी यूज होना है। सेकंड केस में हमने आउटर वाले को चार्ज दिया, अंदर वाले को ग्राउंड कर दिया, तो लिखिए केस सेकंड में लिखिए चार्ज इज गिवन टू आउटर शेल, इसको मैंने क्यों चार्ज दे दिया, रेडियस इज बी, रेडियस इज ए एंड इनर शेल इज ग्राउंडेड, हमने इसको कहीं से ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, कोई वायर वगैरह डाल के इसको हमने ग्राउंड से कनेक्ट मार दिया। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि ग्राउंड से कितना चार्ज फ्लो करेगा, है ना, ग्राउंड से कितना चार्ज इस स्फेरिकल शेल के ऊपर आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि इसके पोटेंशियल को जीरो करना है, समझते हैं भाई कितना आएगा। फिर अज्यूम करते हैं कि दिस क्यू चार्ज फ्लो फ्रॉम ग्राउंड, क्यों चार्ज फ्लो करेगा इस पे, तो इस पे क्यों चार्ज आ गया, और क्यों चार्ज क्यों आया है, इसके पोटेंशियल को जीरो करने के लिए आया है, तो चलो अब इसके पोटेंशियल को लिखते हैं, इसको जीरो कर देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। तो आप अपने आप वीडियो पॉज करके लिखिए और स्मॉल क्यू की वैल्यू निकालिए। ठीक है, चलो भाई मैं देखता हूँ यहाँ पे कि इस स्फेरिकल शेल का मुझे पोटेंशियल लिखना है और इस पर खुद का चार्ज कितना है, खुद का चार्ज क्यू है, तो अगर मैं इस पर एक पॉइंट लेता हूँ तो इसका सरफेस का पॉइंट हो गया और पोटेंशियल विल बी के क्यू बाई ए, सॉरी K small q by A. This is potential due to the charge, its own charge, जो कि ग्राउंड से फ्लो किया है, प्लस इसका एक पोटेंशियल और होगा बिकॉज ऑफ दिस स्फेरिकल शेल, इस स्फेरिकल शेल पे चार्ज कितना है q, इसकी रेडियस कितनी b, तो बिकॉज ऑफ दिस स्फेरिकल शेल, ये इनर पॉइंट है, दिस इनर पॉइंट ऑफ दिस स्फेरिकल शेल, तो आप सबको बताया कि इनर पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो के क्यू बाई कैपिटल R होता है, तो ये स्फेरिकल शेल के लिए कैपिटल R की वैल्यू b हो गई, तो अंदर के किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल आएगा दैट विल बी के क्यू बाई बी, इसको उठा के जीरो मार देते हैं तो मेरे हिसाब से क्यू की वैल्यू आ जाएगी माइनस क्यू ए बाई बी। याद कर सकते हो तो याद कर लो,
क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अब उल्टा ही जाना हो जाए यार, मतलब कॉन्सेप्ट भी याद रखो है ना, और रिजल्ट भी याद रखो माइनस क्यू ए वाई बी। तो इतना चार्ज फ्लो करेगा फ्रॉम ग्राउंड। अब आपसे पूछेगा कि भाई चारों सरफेस पे कितना कितना चार्ज है, तो देखते हैं स्मॉल क्यू की वैल्यू लिख लेते हैं कितनी आई थी, माइनस क्यू ए वाई बी। अगला क्वेश्चन ये बन सकता है, आपसे पूछ सकता है चारों सरफेस पे बताओ कितना कितना चार्ज होगा। तो आपको पता है अंदर तो हमेशा जीरो होता है, इसको नहीं पता पूछना यार, ये गॉस थ्योरम का पॉइंट है, अंदर जीरो होता है। यहाँ पे क्यू आ गया तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस क्यू आएगा, और बाहर कितना होगा, क्यू प्लस क्यू। समझ गए, ये चार्जेस हो गए। तो आउटर पे अक्सर पूछता है व्हाट विल बी चार्ज ऑन आउटर सरफेस, है ना, यही जेई में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो स्मॉल क्यू की वैल्यू पुट करते हैं, माइनस क्यू ए बाई बी एंड प्लस क्यू, दिस इज चार्ज ऑन आउटर सरफेस, क्यू कॉमन लेते हैं तो वन माइनस ए बाई बी, दिस इज चार्ज ऑन आउटर सरफेस। या कहीं भी पूछ सकता है आपसे, यहाँ यहाँ आया तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गए आप। तो अगर आपको बात समझ में आ गई है, ठीक है, तो अब ये कॉन्सेप्ट तीन स्फेरिकल शेल में ले सकता है, अगर थ्री कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स हैं, इफ़ यू हैव थ्री कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स तो वहाँ भी कॉन्सेप्ट दौड़ेगा। जैसे मेरे पास थ्री कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स हैं, ठीक है, दिस रेडियस इज ए, दिस रेडियस इज बी एंड दिस रेडियस इज सी, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे बहुत सारे। ठीक है, और भाई इसने अंदर वाले को दे दिया क्यू वन और बाहर वाले को दे दिया क्यू टू, ठीक है, और अंदर वाले को कर दिया ग्राउंड, इसको ग्राउंड मार दिया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको ये बताओ, कल मैं आपको बता चुका हूँ पूरे लेक्चर में कि हाउ टू राइट पोटेंशियल इन कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स। ठीक है, तो अब आपसे पूछेगा कि बताओ ग्राउंड से कितना चार्ज फ्लो हुआ इसके ऊपर। चलो मैं अज्यूम करता हूँ कि इस पर क्यों चार्ज आ गया फ्रॉम ग्राउंड। अब मैं इसका पोटेंशियल लिखूंगा, तो इसका पोटेंशियल कितनी वजह से आएगा, थ्री चार्जेस की वजह से आएगा। एक अपना चार्ज जो आ चुका है क्यू वन और क्यू टू, चलो पहले क्यू वन का लिखते हैं, इस पर कोई पॉइंट पकड़ लो स्फेरिकल शेल पे, ये पॉइंट पकड़ लिया है, तो फॉर दिस चार्ज दिस इज आउटर पॉइंट, तो आउटर पॉइंट पे के क्यू बाई स्मॉल आर होता है, स्मॉल आर के प्लेस पे यहाँ पे वी हैव बी, तो दिस इज के क्यू वन बाई बी, प्लस ड्यू टू इट्स ओन चार्ज, इस पर क्यू चार्ज है, इसकी रेडियस बी है, तो आपको पता है कि के क्यू बाई कैपिटल आर होता है, और कैपिटल आर इज बी, कैपिटल आर का मतलब रेडियस ऑफ स्फेरिकल शेल, स्मॉल आर मतलब कहीं भी हो सकता है, तो दिस इज के क्यू बाई बी, प्लस ड्यू टू दिस चार्ज, फॉर दिस चार्ज दिस इज इनर पॉइंट, और इनर पॉइंट के अंदर पोटेंशियल होता है के क्यू बाई कैपिटल आर, आपको पता है, तो के क्यू टू बाई बी, इसको जीरो कर देना और आपको स्मॉल क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये स्मॉल क्यू की वैल्यू आ गई। और दूसरा हमसे क्या पूछ सकता है, दूसरा ये पूछ सकता है कि भाई सारे सरफेसेस पे कितना कितना चार्ज होगा ये बताओ, व्हाट विल बी चार्ज ऑन ऑल सिक्स सरफेसेस। देखते हैं कि कितना कितना चार्ज होगा। यहाँ तो क्यू वन है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे जीरो है, ठीक है, अब यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे इंड्यूस होकर माइनस क्यू वन आता है, बाहर कितना आएगा, प्लस क्यू वन, लेकिन बाहर एक चार्ज और आया है, कहाँ से, ग्राउंड से, तो वो प्लस क्यू, तो बाहर का चार्ज तो हो गया क्यू वन प्लस क्यू, किसी भी सरफेस पे पूछ सकता है आपसे। और क्यों, की हम वैल्यू निकाली लेंगे, क्योंकि वैल्यू आप निकाली लोगे पीछे से सॉल्व करके, तो दिस इज चार्ज। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे इसका बिल्कुल उल्टा आता है माइनस क्यू वन प्लस क्यू, और बाहर इसका प्लस आता है, दिस इज क्यू वन प्लस क्यू, ठीक है, लेकिन बाहर एक चार्ज और था, कितना था, बाहर चार्ज क्यू टू भी था, तो बाहर चार्ज क्यू टू भी है, तो दिस इज चार्ज ऑन आउटर सरफेस। ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, है ना, कि किसका कितना पोटेंशियल है ये बता दो, और सॉरी किस सरफेस पे कितना चार्ज है ये बताना है आपको। ठीक है, तो ये हमारा ग्राउंडिंग का कॉन्सेप्ट है। तो हमेशा बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं, अगर आपको कॉन्सेप्ट की बात समझ में आ गई तो कुछ भी नहीं है, बस ग्राउंड से चार्ज लाओ और कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स में पोटेंशियल लिखना सीख लो यार। कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स में अगर आप पोटेंशियल नहीं लिख पाते हो ना, तो फिर बहुत पंगा है। बस उस पोटेंशियल को लिखना सीख लो आप, और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा ग्राउंडिंग कॉन्सेप्ट। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको अगले में कराता हूँ।